गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर को पढ़ा रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके हम लगभग 11 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 12वें लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन अर्थात तरंग फलन का प्रसामान्यकरण किसे कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पढ़ने से पहले आपको बच्चों तरंग फलन यानी वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में हम पूर्व के लेक्चर्स में हम आपको समझा चुके हैं, आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि वेव फंक्शन किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तरंग फलन यानी वेव फंक्शन टू नो द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और द पार्टिकल दैट हैव ड्यूअल नेचर वेव प्लस पार्टिकल वी नीड अ वेव फंक्शन। अर्थात ऐसे पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, जिन पार्टिकल की नेचर ड्यूअल नेचर है यानी तरंग और कण दोनों की प्रकृति वो रखते हों, और ऐसे पार्टिकल जिनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसे पार्टिकल्स को के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन यानी तरंग फलन की आवश्यकता होती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, इसको साई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट है या इसको हम आर के द्वारा भी लिख सकते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। द वेव फंक्शन मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स। यदि ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्टार, एंड साई स्टार आर टी इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। और साई स्टार और साई को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रायिकता घनत्व, जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि पार्टिकल उस दिए गए स्पेस के अंदर, उस दिए गए आकाश के अंदर मौजूद है या नहीं है। इट मीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग अ पार्टिकल एट ए पॉइंट और एंड एट ए टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर टी इज इक्वल टू साई स्टार साई, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं मॉड साई आर टी का स्क्वायर। So it means if the particle exists within the volume element dv which is equal to dx dy dz, then the probability of finding the particle in a volume element dv is given by p dv is equal to psi star psi dv is equal to psi star dx dy dz। यानी वो दिया गया आयतन अल्पांश dv जिसके अंदर यदि पार्टिकल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस प्रकार से लिखी जा सकती है। और यदि वॉल्यूम एलिमेंट आपके पास v है, फाइनाइट वॉल्यूम v दिया हुआ है, देन pv इज इक्वल टू हो गया, तो हम क्या करेंगे x y z पर हम इंटीग्रेट करके उस दिए गए पूरे स्पेस में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझा सकते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, द पार्टिकल इज इन अ बॉक्स। पार्टिकल कहाँ है, एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। ये आपका बॉक्स है जिसकी डायमेंशन क्या है, x बराबर 0 एंड x बराबर a, और पार्टिकल इस दिए गए बॉक्स के अंदर है, यहाँ से वो पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता है। देन पी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a साई स्टार साई डी एक्स एज द पार्टिकल मस्ट बी समवेयर इन द बॉक्स। पार्टिकल कहाँ है, इस बॉक्स के अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए आपकी, 1। इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट क्या है आपकी, 0 टू a। पार्टिकल कहाँ है, बॉक्स के अंदर, जिसकी डायमेंशन क्या थी, 0 और a। सो 0 से a के बीच में हमने इंटीग्रेट किया, साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन।
and the condition is called as normalized condition. It means condition of normalized wave function in three dimension can also be written as PV is equal to minus infinity to plus infinity. This is a general condition. Psi star r psi r dv is equal to 1. As the particle is somewhere in the box, so therefore we can say that this psi star psi minus infinity to plus infinity is equal to 1, or इसी को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई आर मॉड का स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू वन. वन डायमेंशन में लिखना है तो इस प्रकार से लिखी जा सकती है. सो दिस वेव फंक्शन इज कॉल्ड एज, इस यदि वेव फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वेव फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है. अब आता है अगला कि यदि हमारे पास वेव फंक्शन को की इस कंडीशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास वन नहीं आ रहा है, वन के स्थान पर कोई नंबर आ रहा है, लेट दिस नंबर इज एन. इफ इट गिव्स अ नंबर इन प्लेस ऑफ वन देन द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज साई वन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एन साई एक्स. अब ये कैसे प्राप्त हुई, इसको ये हमें कैसे पता चला कि ये वेव फंक्शन तो नॉर्मलाइज नहीं था और ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है, इसको कैसे निकाला हमने. हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में साई एक्स जो भी गिवन था उसके मॉड का स्क्वायर निकाल के इंटीग्रेट किया और हमारे पास नंबर क्या आ गया, एन आ गया. अब हमने क्या किया, इस एन नंबर को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं. तो लेफ्ट साइड में यदि हम इस वन नंबर को ले आएंगे तो कैसे आ जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स अपॉन अंडर रूट एन साई एक्स अपॉन अंडर रूट एन डी एक्स इज इक्वल टू वन. सो हेयर दिस साई वन एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साई एक्स अपॉन अंडर रूट एन. नाउ दिस वेव फंक्शन इज कॉल्ड एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. क्यों, क्योंकि यदि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई वन स्टार एक्स साई वन एक्स डी एक्स निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाता है. सो दैट्स वाई दिस साई वन एक्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. इसी को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी समझा सकते हैं आपको. कैसे समझाया हमने, साई एक्स हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, लेट दिस वैल्यू इज ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, और एक्स की जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, फ्रॉम जीरो टू ए, और आउटसाइड दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज गिवन. नाउ द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैसा होगा. इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू वन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन का इस्तेमाल किया है. नाउ हेयर द लिमिट्स आर जीरो टू ए, आपको जो लिमिट दी गई है वो कहाँ दी गई है क्वेश्चन के अंदर, जीरो से ए के. सो जीरो टू ए साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू वन. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साई स्टार एंड साई ओवर हेयर. नाउ हेयर इन द गिवन वेव फंक्शन हमें नहीं पता कि ये जो कॉन्स्टेंट है ए ये इमेजिनरी है या रियल है, नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, साई स्टार की वैल्यू कैसे लिख देंगे, जीरो टू ए ए साई स्टार साइन पी एक्स अपॉन ए साइन पी एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू वन, यानी ये जो है वैल्यू किसकी है, साई की वैल्यू है. नाउ ए स्टार और ए को हमने कॉमन ले लिया, जीरो टू ए साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू वन. अब क्या करें हम, कॉस टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले के से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू. सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं हम, इक्वेशन नंबर वन में रखने पर यह आ गया आपके पास ए स्टार ए अपॉन टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू ए वन माइनस कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू वन. टू को हमने कहाँ ले लिया है, बाहर ले लिया है. अब हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए स्टार ए डिवाइडेड बाई टू, ये आपका कॉमन है बाहर है, दो इंटीग्रल्स में मैंने इसको तोड़ दिया है, जीरो टू ए डी एक्स माइनस जीरो टू ए कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स विच कम्स आउट टू बी वन, ये एक के बराबर आना चाहिए. तो हमने क्या किया, ए स्टार ए डी एक्स का इंटीग्रल हो गया x, लिमिट रख दी 0 टू a, माइनस a अपॉन टू पाई, कॉस का हो गया साइन, a अपॉन टू पाई कोफिशियंट आपका बाहर आ गया, साइन 2 पाई x a, लिमिट रख दी 0 टू a, और ये जो 2 है हम इसको इधर ले गए,
नाउ इफ वी पुट द लिमिट ओवर हेयर देन ए स्टार ए, यहां से मुझे मिल गया ए, यहां से आपको मिल जाएगा जीरो. सो ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, टू अपॉन ए. और द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी अंडर रूट टू अपॉन ए. तो यहां से हमें पता चल गया कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या है. जो दिए गए सवाल के अंदर फंक्शन था वो आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं था. नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या है आपका, साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए. तो नॉर्मलाइजेशन कोफिशेंट क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट टू अपॉन ए. तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए वेव फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है. और यदि नहीं है तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं. ठीक है, आज का लेक्चर अभी यहीं तक. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे. थैंक यू.